तारीफ लाते हो कम्युनिस्ट है, तो मैंने कहा मैं मेरा तो कुछ बोलेगा तो भी कम्युनिस्ट है, तो मैंने कहा ऐसा। फिर मेरे मन में प्रश्न आया, क्या एक व्यक्ति की एक ही विचारधारा होती है या बचपन से लेकर जो उसका एंड ऑफ लाइफ होता है विचारधारा के स्तर पर बदलता है। तो इसी क्वेश्चन का जवाब है इसके अंदर कि एक व्यक्ति की सिर्फ एक ही विचारधारा नहीं होती, समय स्थान और परिस्थिति के अनुसार उसकी विचारधाराएं कई हो सकती है। तो जैसा कि हम ये मानते हैं कि इतिहासकारों का ये मानना है कि 1920 के दशक से भारत में हिंदू मत के संदर्भ में दो दार्शनिक विचारधाराओं का उदय हुआ। एक और हिंदू परंपरावादी थे जो हिंदू धार्मिक विश्वासों और सामाजिक प्रथाओं के संरक्षण पर जोर देते थे और हिंदी संस्कृत भाषा एवं साहित्य को प्रोत्साहित करते थे। इन लोगों ने सार्वजनिक जीवन को हिंदुत्व को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक संबंधों और संस्थाओं को स्थापित करने में लगाया। उन्होंने कांग्रेस का समर्थन भी किया और राजनीतिक राष्ट्रवाद का भी समर्थन किया। दूसरी ओर हिंदू राष्ट्रवादी थे जो केवल हिंदू धर्म के संरक्षण के लिए ही नहीं बल्कि हिंदू समुदाय की आवेग शक्ति को विकसित करने के लिए प्रयासरत थे। इसलिए इन्होंने हिंदू संगठन को बढ़ावा दिया, जैसे सावरकर और गोवलकर। तो किसी भी विचारधारा का एक ही सामाजिक संदर्भ में अन्वेषण करना जटिल कार्य है, क्योंकि एक ही विचारधारा को विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न प्रतीकों के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। इसलिए इंडिविजुअल एजेंसी का अध्ययन करना महत्वपूर्ण हो जाता है और इतिहासकार का काम यही है कि उसे वो डिकंस्ट्रक्ट करके देखता है। तो हम कैटेगरी की बजाय हम ऐतिहासिक प्रक्रियाओं और संदर्भों को समझते हैं और इसी से शुरू होता है गैमुशी की विचारधारा है। तो गैमुशी की सीधा विचारधारा को समझने से पहले उसकी थोड़े प्रैक्टिस तो हम सब जानते हैं कि मुंशी जो संधि में उन्होंने 11 का विक्रम महत्वपूर्ण रोल निभाया। तो मुंशी बहुमुखी प्रतिभा और विशाल व्यक्तित्व के धनी थे। उपन्यासकार, नाटककार, वकील, साहित्यकार, प्रशासक और मंत्री और कई महत्वपूर्ण संस्थाओं के संस्थापक के तौर पर उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुंशी का जन्म गुजरात के भरूच जिले में भार्गव ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिताजी उस समय के सचिन के मुस्लिम नवाब के दीवान पर थे। उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में मुंशी अतिलक्ष्मी के साथ हो गया था और 1926 में उनकी मृत्यु के बाद उनका विवाह लीलावती से हुआ। यह लीलावती का जो विवाह के साथ हुआ अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह पारंपरिक भारतीय सामाजिक रूढ़ी को तोड़ने का उदाहरण था। लीलावती मुंशी से आयु बड़ी थी, दूसरा वो जैन थी और तीसरा वो एक विधवा थी। एक उच्च वर्ग के ब्राह्मण परिवार में पालन पोषण के बाद मुंशी के लिए ऐसा विवाह करना वास्तव में क्रांतिकारी था। बाद में उन्होंने बाल विवाह के विरोध, विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा के अभियान भी चलाया। मुंशी को लिखने की कला पिता से विरासत में प्राप्त हुई थी और उनके जीवन पर माता का काफी प्रभाव था। वो प्रतिदिन संध्या करते थे और पुराणों और महाकाव्यों का पाठ करते थे, लेकिन जब वो बड़ौदा कॉलेज में गए तो उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण अनुभव हुए। 1901 में मुंशी ने धर्मसुधार पर व्याख्यान सुनने के बाद यह अनुभव किया कि ईश्वर किसी भी भाषा को समझने में समर्थ है। इसके बाद उन्होंने अपनी संध्या संस्कृत की जगह गुजराती में शुरू कर दी। संस्कृत विद्वान की सहायता से अपनी माँ की जो पसंदीदा उनकी संध्या थी उसका गुजराती में अनुवाद भी किया और फिर सूर्य पूजा को छोड़कर उन्होंने सर्वोच्च ईश्वर की पूजा शुरू कर दी। यह मुंशी के जीवन में पारिवारिक और जातिगत परंपराओं और नियमों को तोड़ने का पहला उदाहरण था। मुंशी ने गुजराती साहित्य के विकास में काफी योगदान दिया और गुजरात की अस्मिता और पहचान को विकसित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। गुजरात के ऊपर उन्होंने काफी किताबें लिखी, जैसे गुजराती अस्मिता, ग्लोरी रेड बाजार गुजर देश, पाटनी प्रभुता, गुजरात नाथ, जय सोमनाथ, चक्रवर्ती गुजरातो, गुजराती कीर्ति कथा आदि। मुंशी जब हाई स्कूल से बड़ौदा कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने गए तब वहां दो अध्यापकों से बड़े प्रभावित हुए। एक दर्शन के अध्यापक प्रोफेसर जगजीवन सिंह जो पश्चिम सभ्यता के प्रति मजबूत पूर्वाग्रह रखते थे, दूसरे अरविंदो घोष जिन्होंने बाद में वंदे मातरम की शुरुआत की और पूर्व राष्ट्रवाद के समर्थक रहे। प्रोफेसर जगजीवन सिंह का मुंशी की राजनीतिक विचारों पर और अरविंदो घोष का मुंशी के राष्ट्रवाद से संबंधित विचारों पर गहरा प्रभाव था। मुंशी जब बड़ौदा कॉलेज में थे तब एक बार अरविंदो घोष से मुलाकात करने गए और प्रश्न किया कि एक व्यक्ति राष्ट्र प्रेमी कैसे बन सकता है।
अरविंदो घोष ने दीवार पर लगे भारत के नक्शे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि क्या तुम इस नक्शे को देख रहे हो? यह महज एक नक्शा नहीं है बल्कि भारत माता का चित्र है। इसके शहर और पर्वत, नदी और जंगल उसके शरीर का भाग है, उसकी संतान ही उसकी छोटी नसें हैं, उसका साहित्य ही उसकी स्मृति और भाषा है, उसकी जीवितता उसके जीवन है, उसकी सांस्कृतिक आकांक्षाएं उसकी आत्मा है, उसकी स्वतंत्रता और प्रसन्नता उसकी आत्मसंतृप्ति है। एक जीवित माता के रूप में उसका भारत माता का ध्यान करो और नर्मदा भक्ति के साथ उसकी आराधना करो। मुंशी ने पुनः प्रश्न करते हुए पूछा कि परंतु मैं उस पर ध्यान कैसे लगाऊं? तब अरविंदो ने उन्हें विवेकानंद के योग पर विचार करने के लिए कहा। मुंशी ने विवेकानंद और पतंजलि के योग सूत्र का अध्ययन जो इस टाइम किया उसका प्रभाव उन पर अंतिम समय तक रहा। धीरे धीरे उनकी रामकृष्ण परमहंस में भी रुचि जागृत हुई और रामकृष्ण मिशन का तो उनके परिवार पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उनकी छोटी पुत्री संन्यास लेने के मिशन में शामिल भी हो गई। मुंशी जी का अंग्रेजी राज के सबसे बलवर और विभक्त नीति नस्लभेद का सामना युवावस्था में ही हो गया था। जब भड़ोच में नए अंग्रेजी कलेक्टर की नियुक्ति हुई तब औपचारिक मीटिंग के लिए मुंशी और उनके पिताजी माणिकलाल जो उस समय डिप्टी कलेक्टर थे कलेक्टर के घर गए, परंतु उनके कार को गेट से बाहर ही रोक दिया और माणिकलाल पैदल ही अंदर गए। बाद में वे 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन में भी गए और उग्र क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित हुए। सुरेंद्रनाथ के भाषणों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सार्वजनिक भाषण की कला सीखने के लिए कई पुस्तक पढ़ा। मुंशी के लेकर प्राथमिकता का अध्ययन किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके विचारों में कई विरोधाभासी विचार भी हैं, जैसे वर्ण और जाति के प्रति उनके विचार और दृष्टिकोण में विरोधाभास है। अपनी आत्मकथा में वे बताते हैं कि मेरा जन्म संवत 1944 में पूर्णिमा को दोपहर 12 बजे हुआ था, परंतु यह आधुनिक कैलेंडर के हिसाब से 29-30 तारीख थी, इसका ठीक पता नहीं था। 40 वर्ष तक 29 दिसंबर को ही जन्मदिन मनाया गया, लेकिन पंचांग देखकर खोज की कि पूर्णिमा 30 को पड़ती है तब से 48 घंटे का जन्मदिन मनाया जाने लगा। 1931 में सत्य संहिता नामक ताड़पत्र के ग्रंथ में अपनी जन्मपत्री पढ़ी तब अपने पैदा होने पर जो मुझे आश्चर्य हुआ था वह जाता रहा, क्योंकि सैकड़ों वर्ष पहले सत्याचार्य ने यह बात जान ली थी कि मैं किस प्रकार का बालक हूँ। अंग्रेजी सरकार की भांति मैं भी यह कहता हूँ कि भगवान बचाए भारत के ब्राह्मणों से, ब्राह्मणों ने मुझे पैदा होने की स्वतंत्रता भी नहीं दी, परंतु वे दूसरी ओर स्वयं को भृगु भार्गव ब्राह्मण होने का गौरव प्रदान करते रहे और भृगु ऋषि के साथ अपनी वंश परंपरा को उन्होंने गर्व से आत्मकथा में भी लिखा। बड़ौदा कॉलेज के दिन मुंशी के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण रहे। उन्होंने कई क्रांतिकारी आधुनिक और प्रगतिशील विचारों का अनुभव किया और इन विचारों ने उनकी विचारधारा को आकार दिया। बड़ौदा कॉलेज में उन्होंने फ्रांस की राज्य क्रांति का अध्ययन किया जिसके बाद वह स्वतंत्रता और समानता के विचार से गहरे रूप से प्रभावित हुए। उन्हें यह एहसास हुआ कि समानता का अर्थ वर्णाश्रम का विध्वंस है। वर्णाश्रम में अविश्वास उत्पन्न हुआ और दूसरी ओर ईसाई धर्म में रुचि बढ़ी, लेकिन वास्तव में मुंशी ने वर्णाश्रम की आलोचना नहीं की, क्योंकि अगर हम उनकी किताब भगवद्गीता इन मॉडर्न लाइफ में मुंशी की गीता के आधार पर भगवद्गीता और मॉडर्न लाइफ को पढ़े तो मुंशी ने गीता के आधार पर चातुर्वर्ण व्यवस्था का न्यायोचितकरण किया है। मुंशी कहते हैं कि गीता में जन्म की बजाय मनुष्य के व्यक्तिगत प्रकृति पर जोर दिया है, अर्थात वर्णाश्रम के 4 वर्ण मनुष्य के स्वभाव प्रकृति के 4 प्रकार है। ये स्थायी नहीं है, व्यक्ति अपने स्वभाव कार्य व व्यवहार के अनुसार किसी भी श्रेणी में आ जा सकता है, परंतु वास्तव में वर्ण व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता नहीं थी जैसा कि हम सब जानते हैं। वह शूद्रों की मुंशी जो शूद्रों की तस्वीर पेश कर रहे हैं वह पूर्वाग्रह ग्रसित और नकारात्मक है। मुंशी कहते हैं कि एक शूद्र का जीवन नकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है, इसलिए उसमें सब्सिडियरी गुण होते हैं। वह ऐसा भोजन करता है जो बेस्वाद होता है, वह अभद्र असभ्य लोभी विश्वासघाती द्वेषी और आलसी होता है। वास्तव में इसके द्वारा मुंशी शूद्रों की अधीनता और सोपानक्रमिक चातुर्वर्ण व्यवस्था को न्यायोचित ठहरा रहे हैं। वर्ण व्यवस्था को जन्म की बजाय मनुष्य की प्रकृति पर आधारित बताकर शूद्र को शूद्र की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर किया जा सकता था। मानसिक रूप से भी अधीनता स्वीकार करे शूद्र, इसके लिए किसी तरह की तो आवश्यकता होती है। यद्यपि मुंशी जाति व्यवस्था के सबसे झूठे पक्ष अस्पृश्यता को स्वीकार नहीं करते, परंतु वे जाति आधारित असमानता और पदानुक्रम को भी समाप्त नहीं करना चाहते। उनके अनुसार गीता 2 ऐसे तथ्य को स्वीकार करती है जिन्हें पश्चिम सभ्यता ने नहीं माना,
पहला, मनुष्य स्वभाव योग्यता और दृष्टिकोण में असमानता है। यह रूसो के उस सिद्धांत का विपरीत विचार है जिसमें रूसो मानता है कि व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र और समान पैदा होता है। दूसरा, मनुष्य का स्वभाव उसकी कौशलता और बल से अलग वंशानुगत प्रभावों से निर्धारित होता है। एक साधारण व्यक्ति के जीवन पर वंशानुगत का प्रारंभिक असर ज्यादा होता है और आत्मानुशासन का कम। इसी का उदाहरण है जब श्री कृष्ण अर्जुन को वंशानुगत या हेरिडिटरी अभिवृत्ति के आधार पर युद्ध लड़ने की प्रेरणा देते हैं और क्षत्रिय होने का फर्ज निभाने का आह्वान करते हैं। मुंशी का मानना है कि शूद्रों की सामाजिक अधीनता के निराशाजनक स्तर के लिए धूर्त पुजारियों और दुष्ट राजा जिम्मेदार है। यह कथन कुछ पश्चिम विद्वानों द्वारा दर्शाया गया है जो हमारे बुद्धिजीवियों को विरासत में प्राप्त हुआ है। यह वास्तव में मिथक है क्योंकि अस्पृश्यता जैसा कि हम हाल की कुछ शताब्दियों में देखते हैं यह वैदिक काल में अज्ञात और अपरिचित था, ऐसा मुंशी का मानना था। हम दोबारा उसी डिबेट पर आते हैं कि मुंशी को हिंदू परंपरावादी माना जाए या हिंदू राष्ट्रवादी। क्रिस्टोफर जैफिगा का मत है कि हिंदू राष्ट्रवादी विचारधाराएं अन्य का विरोध करते हुए उभरी जबकि हिंदू परंपरावादी संस्कृति का प्रचार थे। क्रिस्टोफर जैफिगा मुंशी को हिंदू परंपरावादी की श्रेणी में रखते हैं जबकि दूसरी ओर मनु भगवान मुंशी को हिंदू राष्ट्रवादी मानते हैं। वे कहते हैं कि मुंशी ने भारतीय संस्कृति को जो बढ़ावा दिया वह एक अन्य के विरोध में था। मुंशी के भारतीय विद्या भवन के संबंधों, हैदराबाद में उनके हैदराबाद के विलय में उनकी भूमिका और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के आधार पर मनु भगवान कहते हैं कि मुंशी रूप स्पष्ट रूप से हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। मनु मुंशी का अखाड़ा आंदोलन और अखंड हिंदुस्तान अभियान के संदर्भ में जो उनकी भूमिका थी उसके आधार पर कहते हैं कि मुंशी ने जो तस्वीर पेश की उसमें हिंदू उदार व दयालु थे और इसके विपरीत मुस्लिम धूर्त कट्टर और धर्मान थे। मनु मानते हैं कि भवन और मुंशी के दृष्टिकोण में भारत के अतीत वर्तमान और भविष्य का हिंदुआइजिंग नजर आता है। 1930 के दशक में आरएसएस और हिंदू महासभा ने अखाड़ा आंदोलन चलाया जिसमें जगह जगह जिम्नाजियम बनाए गए। ये जिम्नाजियम युवाओं को शारीरिक मजबूती और पहलवानी का प्रशिक्षण देते थे लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि यह प्रशिक्षण खासतौर से हिंसक मुस्लिम के भय के संदर्भ में दिया जाना था। मुंशी ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इस अखाड़ा आंदोलन का नेतृत्व किया। 1941 में मुंशी ने अखंड हिंदुस्तान अभियान चलाया और कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इसी टाइम सावरकर और गोलवलकर जैसे लोगों से उनकी नजदीकियां भी बढ़ी। 6 अगस्त 1941 को मुंशी ने आरएसएस की पूना सभा को संबोधित भी किया और अगस्त 1964 में मुंबई में जब स्वामी चिन्मयानंद के सहयोग से विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की गई तब मुंशी के प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे और वो अध्यक्ष भी बने। मुंशी ने मुस्लिमों के संदर्भ में कई मिथकों का ऐतिहासिकरण भी किया। मनु भगवान कहते हैं कि मुंशी ने गांधी जी की हत्या के बाद वाले माहौल में भी हिंदुत्व विचारधारा को वैध और नैतिक विपक्ष के रूप में जगह दिलाई और मुख्यधारा कांग्रेस में स्वीकार्य बनवाया। अखंड हिंदुस्तान अभियान में मुंशी डिसरप्शनिज्म की बात करते हैं वह मुस्लिम लोभी राजनीति है। वे अखंड हिंदुस्तान में जो उनकी चिंता है वो इस बात को लेकर है कि एक पाकिस्तान फ्रंटियर निर्माण वाला एक तरफ और एक तरफ जो उनका जो सो कॉल्ड हिंदुस्तान है जो आर्यव्रत है उसमें जो उसकी एकता है और जो उसकी अखंडता है वो खतरे में है। तो जो वो उस टाइम जो कोई राजनीति है उसमें बताते हैं कि जो मुस्लिम राजनीति है वो उसके अंदर एक कैसे बाधा उत्पन्न कर रही है कि पूरे भारत को एक आर्यव्रत के रूप में दोबारा से संगठित होने में। तो वो मुस्लिम लोभी राजनीति को डिसरप्शन मानते हैं। वे ऐसे कई बयान दर्ज करते हैं जो बंगाल के मुस्लिम नेताओं द्वारा दिए गए और जो उस टाइम जो बंगाल के लोग थे जो मुस्लिम लीग में शामिल थे या फिर दूसरे मुस्लिम थे वो इस टाइम ऐसे बयान दे रहे थे जिससे मुस्लिम को लग रहा था कि ये वास्तव में यही प्रॉब्लम है देश को एक एक करने। तो वो ऐसे तीन बयानों को यहाँ पे कोट करते हैं। पहला, अगर मुसलमान एकजुट हो गए और एक टीम के रूप में काम किया तो इस बात की कोई संभावना है कि इस देश पर पुनः उनका शासन होगा। ये किसी ने कोट मतलब एक जो बंगाल के मुस्लिम पॉलिटिशियन उनका बयान है। दूसरा बयान है कि मैं अल्लाह के सिवाय किससे भी नहीं डरता और 22 करोड़ हिंदुओं का सामना बिना हाथ का हिलाए कर सकता हूँ।
मुझे अल्लाह में विश्वास है और मैं आश्वस्त हूँ कि इतने अधिक संख्या में होने के बावजूद मैं उनको नीचे गिरा दूंगा। तीसरा बयान है, प्रत्येक निकट व कोनों के मुसलमानों का धैर्य उठने की कगार पर है। वह समय आ गया है जब छोटे चूहे यानी हिंदू को दिखा दिया जाए कि शेर यानी मुस्लिम अभी मरा नहीं है, बस नींद में है। तो मुंशी को जो अखंड हिंदुस्तान में जो जो प्रॉब्लम थी, जो अखंड हिंदुस्तान में जो मुख्य जो उनकी चिंता है वो मुस्लिमों को लेकर है, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं था। मुंशी का अखंड हिंदुस्तान अभियान में बेशक आरएसएस और महासभा का भी समर्थन था, वीर सावरकर उनके काफी नजदीक भी रहे, परंतु फिर भी ये अतिवादी हिंदुत्व और विशिष्ट यानी एक्सक्लूसिव राष्ट्रपति चार्टर से प्रेरित नहीं था। मुंशी भारतीय अखंडता के संदर्भ में कहते हैं कि जब वो बात करते हैं कि मुंशी भारतीय अखंडता कैसे बचाई जाएगी, तो वो कहते हैं कि सारे हिंदू और मुस्लिम जो एक तरफ नहीं है, बाइनरी नहीं है हिंदू मुस्लिम, वो दिखाते कि हिंदुस्तान का जाट हिंदू, जाट सिख और जाट मुस्लिम एक दूसरे के ज्यादा घनिष्ठ है। पंजाब के जाट हिंदू और जाट तमिल और तमिल हिंदू की तुलना, वो ये नहीं कह रहे कि जो सारे मुसलमान इसमें बाधा उत्पन्न करते, वो कह रहे हैं जो मुस्लिम लोभी राजनीति है वो इसमें ज्यादा बाधा उत्पन्न करते हैं। अगर हम मुंशी की राष्ट्र की परिभाषा देखें तो वो डबल स्टैंडर्ड पर आधारित है। अगर राजनीतिक रूप से मुंशी की राष्ट्र संबंधी परिभाषा देखें तो वे कहते हैं कि एक समान भौगोलिक सघनता या भूगोल, एक समान भाषा और एक समान धर्म के द्वारा राष्ट्र संगठित नहीं होता। एक राष्ट्र का निर्माण तभी होता है जब उसमें निवास करने वाले लोग सचेतन रूप से स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करना चाहते हो। राष्ट्र की दूसरी परिभाषा जो सांस्कृतिक अर्थों में है, मुंशी उसमें ये मानते हैं कि राष्ट्र जो भारत है वो एक आर्यव्रत है, लेकिन ये आर्यव्रत वैदिक आर्य संस्कृति के आधार पर ही निर्मित हुआ है। यानी मुंशी की राष्ट्र की राजनीतिक परिभाषा में सभी के लिए जगह थी, लेकिन सांस्कृतिक अर्थों में सिर्फ आर्य थी। महत्वपूर्ण बात एक ये भी है कि मुंशी का मुस्लिमों के प्रति जो नजरिया है या विचार है वो दोहरी मानसिकता और विरोधाभास से भरा था। कहीं वे मुस्लिम को अन्य के रूप में चित्रित करते हैं, कहीं उन्हें भारतीय अखंडता में बाधा मानते हैं और कहीं उन्हें भारतीय संस्कृति में समायोजित हो सकने वाले के रूप में देखते हैं। जैसे अगर हम अखंड हिंदुस्तान के चैप्टर ए एन एज ऑफ रेजिस्टेंस के अध्याय में पढ़े तो इसमें वो बताते हैं कि उसमें वो बहुत सारे कोटेशन देते हैं मुस्लिमों के लिए कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि महमूद ने अपने आक्रमण के दौरान मंदिरों को लूटा और मूर्तियों को तोड़ा, लेकिन मूर्ति भंजन उत्साह उसका प्रमुख सिद्धांत नहीं था, जैसा कि मुस्लिम इतिवृत्तों में दिखाया गया है। यह सिर्फ विजय थी, यह धर्मांध और कट्टर विरोधी नहीं था। उसके सिवान राय और तिलक उसके विश्वसनीय हिंदू जनरल भी थे। मुंशी इसी में आगे कहते हैं कि बेशक ऐबक विदेशी कमांडर था जिसने विदेशी मालिक के लिए कई क्षेत्रों पर विजय हासिल की, लेकिन उसने भारत के लिए भी बहुत कुछ किया। इल्तुतमिश विदेशत्ता का एजेंट नहीं था, वह सभी रूपों से भारतीय शासक था। मुस्लिम इतिहासकार दिलीप सुल्तानों के उद्देश्य में इस्लाम के प्रसार के लिए पवित्र युद्ध का विशेषण जोड़ देते हैं, बल्कि इन आक्रमण का मुख्य उद्देश्य विजय था, ना कि इस्लाम का प्रसार। और इस विजय के सुदृढ़ीकरण में वे हमेशा हिंदुओं के गठबंधन का सहारा लेते थे, हिंदुओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने के निरंतर प्रयास किए जाते रहे। दिल्ली पर ब्रिटिश शासन नहीं था और न ही सभी शासकों ने ब्रिटिशों से आकर साम्राज्य स्थापित किया। बंगाल, दिल्ली, गुजरात और सिंध के मुस्लिम संस्थापकों ने स्वयं को विदेशी के रूप में नहीं देखा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि अगर मुस्लिम गैर अन्य नहीं थे तो इस चैप्टर का नाम उन्होंने ऑफ रेसिस्टेंस क्यों रखा। अगर सभी लोग भारतीय थे तो कौन इसका प्रतिरोध कर रहा था और क्यों कर रहा था। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति के विचार दृष्टिकोण विचारधारा पूरे जीवन में एक समान नहीं रहते, कई बार बदलते रहते हैं। जैसे मुंशी का आर्य की जो प्रति जो विचार है वो बदलता रहा समय के साथ साथ। द अर्ली आर्य इन गुजरात जो 1948 में प्रकाशित हुई इनकी पुस्तक, मुंशी आर्य को हिंदुओं का जनक और मूल निवासी मानते हैं, परंतु फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर 1963 में प्रकाशित हुई उसमें वो कहते हैं कि वैदिक आर्यों ने भारत में अपने प्राकृतिक देवताओं, यज्ञ, कर्मकांडों, गायें, घोड़े और उनके विजय भरे उत्साह के साथ भारत में प्रवेश किया, यानी वो बाहर से आए थे। मुंशी मानते हैं कि
संश्लेषण व एकीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान आर्य संस्कृति का ही है। दूसरी ओर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट के शुरुआती पृष्ठों में ये वो यह भी मानते हैं कि भारतीय संस्कृति केवल आर्य की संस्कृति नहीं है बल्कि उससे कई अधिक है। हम ग्रीक प्रभाव के कारण गांधार कला का खंडन नहीं कर सकते, हम इस्लामी प्रेरणा के कारण ताजमहल को त्याग नहीं सकते, हम कला शिष्टाचार संस्थानों को रद्द नहीं कर सकते जिनका जन्म हिंदू मुस्लिम समायोजन से हुआ है, हम पश्चिमी प्रभाव और संस्थाओं को नकार नहीं सकते। मुंशी जी प्रयासों में जो एक महत्वपूर्ण योगदान था जो उनकी उन्होंने 1938 में भारतीय विद्या भवन की स्थापना की, और जो भारतीय विद्या भवन की स्थापना की वो एक स्वप्न परियोजना थी उनकी, जो धर्म राष्ट्र और शिक्षा के विस्तृत लक्ष्यों को लेकर भारतीय संस्कृति की महानता को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध थी। उन्होंने बाद में भवन बुक यूनिवर्सिटी का भी गठन किया और 1948 में उन्होंने जो सोमनाथ का पुनर्निर्माण हो रहा था उस टाइम पे सिर्फ सोमनाथ के मंदिर के पुनर्निर्माण में योगदान नहीं निभाया, साथ में उसके जो आसपास का एरिया था उसको विकसित करने में और विश्व हिंदू संस्कृत परिषद संस्कृत विश्व संस्कृत परिषद का भी स्थापना करने में महत्वपूर्ण रोल निभाया।